खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। टुडेज टॉपिक इज नो डिफरेंस बिटवीन मोहम्मद एंड डॉग इन सफिया'स केस। मोहम्मद में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है सफिया के मामले में, जो मोहम्मद की बीवी, हम बीवियों पे बात कर रहे हैं, मोहम्मद में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं सफिया के मामले में, जो मोहम्मद की बीवी है। आप हैरान हो गए होंगे, आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, ये हम क्या सुन रहे हैं, मोहम्मद में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, मोहम्मद भी कुत्ता है। मैं नहीं कह रहा, आपकी किताबें कहेंगी, जो आपकी किताबें कहेंगी वो हमारा कहना भी फर्ज है, क्योंकि मुसलमान सब लोगों को बेरा रवि का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। हमने सब सच के जूते मार रहे हैं इस्लाम के ऊपर, आपकी किताबों में से निकाल निकाल के सच के जूते मार रहे हैं हम। आप जूते भी खा रहे हैं, इस्लाम भी कबूल करते जा रहे हैं। आप कहते जूते मारते जाओ, हम गंद में रहना चाहते हैं, आप निकलते ही नहीं बाहर। हम सच की जंजीरें फेंक रहे हैं, हम सच की रस्सियां फेंक रहे हैं आपको झूठ की दलदल से निकालने के लिए। सच की रस्सियां फेंक रहे हैं हम, सच की बाल्टियां फेंक रहे हैं, किसमें से पियो, सच में से पियो और बाहर निकल आओ। सुनते भी आप, जो सुनने वाले हैं लाखों की तादाद में, वो निकलते आ रहे हैं, इस्लाम में से निकलते आ रहे हैं। वो जान गए हैं ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। ईआईसी सीएम सच बोलती है, सैमी सैम से सच बोलता है। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं झूठ बोलूं तो जहन्नम की आग होगी, सोच रहे हैं आप। हिस्के की किताब का तीसरा बाब 18वीं आयत से 21वीं आयत में पढ़ते हैं, अगर तुम जानते हो कि कोई शरीर है या गुनाहगार है जो गलत काम कर रहा है, और सैमी सैमसन और ईआईसीएम अगर तुम उसे नहीं बताते तो वो तो मर जाएगा, लेकिन सैमी सैमसन ईआईसीएम तुम पकड़े जाओगे। हमें ये खौफ है इस्लाम का, हमें ठींगा भी नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे प्रो इस्लाम हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ठींगा 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 ठींगा, जीरो 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 जीरो। हमें परवाह इस चीज की है कि अगर तुम जानते हैं कि वो जहन्नम में जाने वाले हैं, सारा इस्लाम जहन्नम में जाने वाला है, और अगर ईएसएम नाम बताए, सैमी सैमसन नाम बताए, हवाले ना दे, सच ना बोले, सच की रस्सी ना फेंके ताकि मुसलमानों की जो झूठ के दलदल से निकाल ले, तो आप दलदल में मर जाएंगे, लेकिन मैं पकड़ा जाऊंगा, हम पकड़े जाएंगे, जो सच बताने वाले मुझसे ही हैं वो पकड़े जाएंगे, चाहे वो एबीएन हो, चाहे वो डेविड वुड हो, चाहे वो सैम शमाउन हो, चाहे वो फादर बुत्रोस हो, चाहे वो जेम्स वाइट हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हम पकड़े जाएंगे। हमें वो खौफ है, इस्लाम का कोई खौफ नहीं, वो ठींगा टूट 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 नीचे डाउन 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 डाउन। हम क्या समझते हैं इस्लाम को, हमारे पांव की जूती की खाक भी नहीं है वो। हम डरते हैं और आपको बाहर निकालते हैं और निकालना चाहते हैं सच की रस्सी फेंकते हुए, कि आप झूठ की दलदल से निकलाए। सब हम यही कर रहे हैं, हम खुदा के खौफ से जरूर डरते हैं और खुदा के खौफ के तहत आपकी मदद कर रहे हैं। हम सच के झरनों का, मीठा खूबसूरत चश्मों का पानी आपको पिलाना चाहते हैं, ताकि आप गंदगी के जरासीमों से बच जाएं। ये हमारा काम जरूर है। हम निजात दहिंदा की निजात आप तक बखेरते हैं, देते हैं, आपके साथ इसको शेयर करते हैं। देखिए जरा कि किताब आपसे क्या हम कलाम होती है, ये तवज्जो दें